नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक के इतिहास का अगर बोलें तो सबसे बड़ा ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है यूएसए और चाइना के बीच में। आपको याद होगा जब यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे 2016 में, उस वक्त ये ट्रेड वॉर की स्टार्ट किया गया था और उस वक्त दोनों देशों में ऐसे टैरिफ वॉर किए गए थे, ऐसा ज़्यादा टैरिफ लगाए गए थे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई थी दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे पर जो प्रोडक्ट पे लगाए गए थे, कि ज़बरदस्त तरीके से प्राइसेस बढ़ गए थे और एक दूसरे के बीच में ये लोग बिज़नेस कर नहीं पा रहे थे। मतलब इस तरह के इनके रिलेशन ख़राब हो चुके थे। अब दोस्तों, उसी तरह की कुछ चीज़ें जो बाइडेन सरकार ने भी कर दी है, बिल्कुल उसी रास्ते पर चल दिया है और इन्होंने फिर से एक बार ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। दरअसल दोस्तों, आइए बताते हैं कि आपको पूरा खबर है क्या और इससे भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। दोस्तों, दरअसल क्या है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर यूएसए ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। वो 100% भी है, कुछ जगह 50% भी है। वो प्रोडक्ट हैं स्टील, एल्युमिनियम, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसी तरह से कुछ मिनरल्स भी हैं। अब दोस्तों, आप ऐसा समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर है, ये सारा वो जो बैन लगाया गया है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई गई है यूएसए का और चाइना के बीच में, ये जो ट्रेड वॉर से इंपैक्ट करेगा वो करीब $18 बिलियन के अमाउंट पर इंपैक्ट आएगा। अभी ऐसा समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था उस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, जो कि अभी 25% की थी। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर अभी कोई कार इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना की जो यूएसए में बिकती है $1,00,000 की, अब उसकी सीधे कीमत $2,00,000 हो जाएगी। ऐसे ही सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो, अगर सेमीकंडक्टर चिप जो उसमें 50% हाइक कर दी गई है इंपोर्ट ड्यूटी में, अगर मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर 50,000 की थी तो वो सीधे 1,00,000 की हो जाएगी। ऐसे सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए। अब एक चीज़ तो ये हो गई, अब दूसरे साइड इसका चाइना ने भी जवाब दिया। जैसे ही बाइडेन सरकार ने ये अपना तरफ से बोला कि हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, चाइना ने भी बोला कि ठीक है, हम आपका इसका जवाब देंगे भरपूर तरीके से। अब दोस्तों, समझ लेते हैं कि यूएसए और चाइना का व्यापार आखिर है कैसा। दरअसल दोस्तों, चाइना अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचता है यूएसए में और यूएसए अपने प्रोडक्ट चाइना में कम बेच पाता है। अब ऐसा समझ लीजिए कि $427 बिलियन की चीज़ों को बेचता है चाइना यूएसए को, यूएसए वाले ख़रीदते हैं $427 बिलियन का सामान, और जो चाइना ख़रीदता है यूएसए से वो $148 बिलियन है। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा गैप है, तो वो यूएसए के फेवर में नहीं है। अच्छा, तो फिर यूएसए ने इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई कि कहीं ना कहीं इसको, ये जो पेमेंट का इम्बैलेंस है इसको काउंटर किया जाए, इसको रोका जाए। अब दोस्तों, इसके लिए उसे बताना भी था कि आखिर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई क्यों, तो यूएसए ने साफ बोला कि चाइना हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको चुरा रहा है। ये अनट्रेड कुछ अनवांटेड चीज़ होती हैं, जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनका ये वॉयलेशन कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने बिज़नेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, मतलब जो सीधे बिज़नेस में नहीं होती हैं। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं वो अच्छी तरीके से करते हैं, नियमों के साथ करते हैं, तब तो गुड ट्रेड प्रैक्टिस होती है, अदरवाइज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोली जाती है अगर आप उन चीज़ों को वॉयलेट करते हैं, उन रूल्स को वॉयलेट करते हैं। तो चाइना उन रूल्स का वॉयलेशन करता है, एक ये चीज़ बताई यूएसए ने। अब दोस्तों, ये समझ लीजिए कि अगर चाइना का प्रोडक्ट कहीं पर कम बिकेगा तो उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई नई जगह भी चाहिए। और दूसरी चीज़, जब यूएसए में कोई चीज़ बिकनी कम हो जाएगी तो उसकी जगह कोई और प्लेयर आएगा बेचने के लिए। तो दोस्तों, इससे दो चीज़ें आती हैं। इससे एक, अगर भारत की बात करें तो चाइना भारत में अपने प्रोडक्ट को और बेचना बढ़ा देगा, वो यहाँ पे अपने माल को डंप करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि चाइना लेकर कहाँ जाएगा, कोई ना कोई तो जगह चाहिए और मार्केट
भारत से बड़ी मार्केट तो कहीं है नहीं पूरी दुनिया में, तो फिर वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर बेचेगा। दोस्तों अब दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी भी है। अभी क्या है कि हम अपना प्रोडक्ट अच्छे से बेचते हैं यूएसए में, लेकिन जब चाइनीज़ प्रोडक्ट वहाँ पर कम बिकेंगे तो बनी बात है वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट होगा, वो जगह खाली हो जाएगी, उस जगह को हमें भरने का एक सुनहरा अवसर भी है हमारे पास, हम वो चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों अभी जैसे आपको रिसेंटली एक न्यूज़ पता लगी होगी कि अभी तक हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस पार्टनर जो था वो यूएसए था, लेकिन इसको भी चाइना ने तोड़ दिया। अभी हमारा और अपना इंडिया का और चाइना का बिज़नेस सबसे ज़्यादा होता है, हमारा जो टॉप बिजनेस पार्टनर है अब यूएसए नहीं है, अब चाइना है। तो दोस्तों इस चीज़ को भी माइंड में हमें रखना पड़ेगा, चाइना को हम अपने कितना बाज़ार का एक्सेस दे रहे हैं, हम कितना सामान को प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं। दोस्तों इसका एक नुकसान भी है, क्या होता है कि हम चाइना से जो चीज़ें ख़रीदते हैं वो ज़्यादा ख़रीदते हैं और जो उसको बेचते हैं वो बहुत ही कम बेचते हैं, तो जो ट्रेड का इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है चाइना को, हम उससे बहुत इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं तो भारत के लिए बुरी ही चीज़ है, लेकिन जो यूएसए में एक मार्केट नया क्रिएट होने वाला है उस जगह को हमें फिल भी करना है, ये हमें अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए और इस पर पूरी तरह से नज़र बना कर रखनी चाहिए कि अगर कोई नई चीज़ होती है तो उसको हम देखें और उसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर ना आए, ऐसा हमें करके चलना चाहिए, हमारी सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अब इस पर कुछ और अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।